हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। गाइस, तो पता है, एक मिनट भी आप लोग बताते हैं, गेट बंद कर देते। गाइस पता है, आज बड़ी वाली भाभी का है एनिवर्सरी और उनको अभी तक ना हम विश भी नहीं किए, कुछ भी नहीं, ना स्टेटस लगा है ना ताकि वो देख सके और ना ही कुछ भी। आज है ना 27 मई, हाँ, तो आज उनका एनिवर्सरी है। मतलब कुछ भी ऐसा नहीं किया, अचानक से उनको हम सरप्राइज़ देंगे और इसलिए अभी हम जा रहे हैं रेडी होने के लिए और जा रहे हैं केक लाने के लिए। यार बहुत यहाँ गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। अभी बस हम फ्रेश होकर आए हैं तो अभी उनके लिए केक लाने जाना है। और उनको मतलब बिल्कुल भी उनको आइडिया नहीं है कि उनके लिए मतलब आज उनका एनिवर्सरी, इसलिए हम एक बार भी उनको विश भी नहीं किए, बिल्कुल नहीं। और ना ही घर में भी कोई किया है। घर का पता नहीं सबको याद है कि नहीं है, पर भाई मेरे को तो सबका बर्थडे और सबका एनिवर्सरी कुछ भी ऐसा हो, पता नहीं क्यों इतनी खुशी मिलती, इतनी खुशी मिलती कि क्या ही बोले, बहुत ही अच्छा लगता है। तो मतलब हम फटाफट रेडी हो जाते हैं और जल्दी से जाते हैं, केक लेकर कराते हैं। उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है डेकोरेट। बहुत ही ज़्यादा गर्मी, धूप इतनी करी है ना कि क्या ही बोले। खैर, तो हम जल्दी जल्दी रेडी हो जाते हैं। जब तक आप लोग मेरे वीडियो में कंटिन्यू ऐसे बने रहे। तो गाइस यहाँ हम हो गए हैं रेडी। और पता है मम्मी सो रही थी, उनको उठा दी। सच्ची दिन हम अच्छे यूट्यूबर बन गए और पैसा कमाने लगे ना, फिर देख लीजिएगा सब कम एकदम मज़ेदार वाला सेलिब्रेट किया करेंगे। बहुत ही तो मम्मी से पैसा मांगने में अच्छा नहीं लगता, मतलब किसी चीज़ के लिए भी हो वो, शायद या फिर मेरे से रिलेटेड हो या फिर बाबू लोग का बर्थडे हो या जैसे एनिवर्सरी हो, कोई भी चीज़ हो, अच्छा नहीं लगता मेरे को पैसा मांगने में। या फिर पता है, हम मोबाइल में रिचार्ज भी करवाते तो हमको अच्छा नहीं लगता है, बोलते हैं कि हाँ मम्मी रिचार्ज ख़त्म हो गया, करवा दीजिए, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। खैर कोई नहीं, बस हम क्योंकि हल्का सा ऐसे कुछ भी नहीं लगा, फिर इतना बिजली लगा ली, लिपस्टिक लगाई, काम कर, इतना गर्मी अभी अबाया पहनेगी उसके बाद फिर पूरा पसीने पसीना हो जाना है। भाई कहीं जाना रहता है तो पता नहीं हम इतनी स्पीड क्यों बोलते हैं। देखिए बच्चे लोग क्या कि मेरा दुपट्टा का पूरा ये लोग फाड़ चीर दिए है दुपट्टा को, ये देखिए वाह पूरे पूरा को ये लोग फाड़ दिए है, इसको खेल रहे थे बांध के। मेरे को अभी यही मिला तो यही डाल लिए। मम्मी के ये बोलने के लिए किसी को ले जाने की, मेरे को केक ला दूर फिर जाना पड़ेगा ना, तो ऑटो तो मिलना मुश्किल है। ऑटो यहाँ से मिल भी जाएगा तो फिर जहाँ जा रहे हैं वहाँ के लिए नहीं मिलेगा। तो देखिए कोई बाइक से ले जाता है तो ठीक है। तो जब तक आप लोग मेरे वीडियो वैसे ही बने रहे, देखते हैं क्या होता है। अभी भाभी बच्चे सभी लोग सो रहे हैं, सभी लोग सो रहे हैं। ये यार कोलकाता में इतना बारिश हो रहा है, भैया कह रहे थे बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा, कल से ही बारिश हो रही है। तो अगर कोई भी कोलकाता से मेरा ब्लॉग देते तो बताएं आप लोग वहाँ की मौसम कैसी है। बहुत ही अच्छा वैसे तो मौसम, यहाँ हमारे यहाँ धूप देखिए धूप चुपती जलती गर्मी का मौसम आया। तो बस कर दिया जाए मेरे को जल्दी से। तो गाइस यहाँ देख सकते हैं, यहाँ हम आ गए हैं आपको केक लेने के लिए और ये भैया भी हमें एनिवर्सरी का वो ले रहे हैं, वो लगाने वाला है। तो गाइस यहाँ देख सकते, ये हम ले लिए केक, अब सीधा घर चल रही है। चलिए किशोर, चले चलिए। Don't know what to do.
खाली लाडो खत्म हो गया लाडो का खत्म। लाडो को खिलाइए भाई बहन का प्यार। खिलाने आते हैं आपको। हाँ बेटा आए बेटा आपको खिलाने जय हम गुस्सा हो गया आपसे शादी है बर्बादी है कि नहीं। हमको भी तो दुल्हन बस दुल्हन बनने के लिए शादी करनी नया नया मेकअप शेकअप क्या होगा अभी क्या है काम ना करो तब वो चल जाता है साला। फिर रोज उठो आप ही लोग की जैसे रोज काम करो अभी अपनी मन मर्जी काम करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता है तो भी करना पड़ेगा जबरदस्ती रोज का काम ही वही हो जाएगा कोई नहीं इधर भाग आया करेंगे छुट्टी में। आप लोगों को कैसा लगेगा हम चले जाएंगे तो अजीब सा लगेगा ना कि खुशी मनाइएगा कि अच्छा हुआ चली गई तो जो लगता है हम लोग अजीब ही लगेगा थोड़े सा घर चली जाती था सब खुशी मनाइएगा आप अच्छा गई हम किससे अभी मेरे पास ना नहीं जब खुशी मनाएंगे बेचारी लग खुद ही ससुराल में लगा के रखना बेटा आज आपकी मम्मी का एनिवर्सरी है हैप्पी एनिवर्सरी मम्मी। अच्छा बोलिए मम्मी आपका शादी मुबारक हो बोलिए बोलिए ना कि बोलिए नहीं बेटा बोलिए मम्मी शादी मुबारक हो लाडो सबसे अच्छा मुबारक मान दीजिए शादी मुबारक मम्मी को दीजिए लाल लाल बीच में रखा है कौन खुलसी ये सीधा तीन छोबरा ऊपर रहेगा अगले बार तो छोटी भाभी में हैप्पी बर्थडे वाला भी कर दिया गया था और इस बार हैप्पी एनिवर्सरी वाला लगा लेते हैं। पंखा का हवा आवाज़ ज़्यादा जाता है देख सकते हो इतना पसीना एकदम पसीना कितनी गर्मी है एकदम कोई नहीं जल्दी जल्दी हम लोग कर लेते पार्सल आने वाला वो भी बहुत दूर से बहुत ही ज़्यादा दूर से भैया भेज रहे भैया बहुत ही ज़्यादा खुशी मिल रहा है।
यार ये पसेरा देख सकते कितने सारे हो गए। एनिवर्सरी में कुछ ज़्यादा ही होता है ना इसी वजह से। इतनी ज़्यादा गर्मी है, या अल्लाह रहम करिए थोड़ा बारिश वारिश हो जाए तो अच्छा भी लगे। यहाँ देखते थे यहाँ सब फूल गया है और यहाँ मेरा दादा चिपकाने भी लगी हूँ। यार गर्मी में अगर कुछ भी ऐसा करो ना तो मतलब सर लगता है ना चक्कर चक्कर जैसा होने लगता है। तो बस अब ये सब कुछ जल्दी जल्दी दीवार पे ऐसे चिपका लेते हैं, उसके बाद आपको फिर पूरा डेकोरेट कर मिलते हैं बस थोड़ी सी देर में। तो यहाँ मैं डेकोरेट करते करते पार्सल वाले भी भैया आ गए, तो हम जा रहे हैं पार्सल लेने के लिए। और ये देख सकते हैं अभी ये इतना नहीं, अभी नहीं दिखाएंगे, जब आप लोगों को पूरा हो जाएगा उसके बाद दिखाएंगे। भाभी क्या कर रही है, हम तो सोच ही रहे थे यही साड़ी पहनी है। मुस्लिम पहले से पजामा पहन के उतार दी, सूट पहनती कितना अच्छा तो लग रहा है साड़ी, अजीब लग रहा था। ये रही मेरी भाभी जो हम आपको पूरा तो नहीं दिखा सकते, बस बेचारी साड़ी पहन रही है बहुत ही मुश्किल से, एकदम लेते हुए जा रहे हैं। ये देख सकते हैं ये हमारा पार्सल आ चुका है। गाइज यहाँ देख सकते हैं ये अभी इनकम्प्लीट है, यार अभी इसे लगाना है, इसके लिए उस दर्द जगह ही नहीं हो रहा है क्योंकि तीन लेटर अभी बाकी है। तो ये रहा, अच्छा लग रहा है, अभी इसमें लाइट लगाना है, ऐसे लगाना है। ये रहा पार्सल रखा हुआ है, इसे अब मेरे को खलबली मच गया अनबॉक्सिंग करने का। तो बस अभी पहले जब हम फ्री हो जाएंगे उसके बाद अनबॉक्सिंग करेंगे, पहले डेकोरेट अच्छे से कर लें उसके बाद। गाइस यहाँ देख सकते हैं पूरी रेडी हो गई है और ये बच्चे लोग का बदमाशी, बच्चे लोग भी सब लोग रेडी हो गए हैं और अब हम जा रहे हैं रेडी होने के लिए। तो आप लोगों को दिखाते हैं इसका फाइनल लुक, ये रहा ये देख सकते बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम हो गए रेडी, बस ईयर बंद है तो अभी डीजे आ रहा था तो हम सुन के सारे डीजे देख लेते हैं, उसके बाद ही रेडी हो गए। इधर से नहीं दिख रहा है तो मेरे को जाना होगा बाहर। अभी हम पहले हैं लिए अपना बर्थडे वाला आउटफिट, तो अभी हम चलते हैं बाहर दिखाते हैं आप लोगों को डीजे। डीजे आ गया, चलो डीजे, चलो जल्दी से। ऐसा लग रहा है क्या कि हम लोग जा रहे हैं शादी में, दिलों की मांगने हम लोग भी जा रहे थे। सब तैयार है, मुंह ढक के सब चला जाए, थोड़ी कोई पहचानेगा। और का मुंह ढक ढक के यहाँ है कि यार की शादी पर लग रहा है कि मेरे घर में शादी है, एकदम सर दर्ज करिए लोग निकले, पर मेरे घर में तो है एनिवर्सरी। देख सकते यहाँ हमारा केक आ गया है, ये हमारा फोटो लग गया है और ये बच्चे पार्टी लोग यहाँ बैठे हुए, ये हमारी माता सीधी, ये डेकोरेट, भाभी यहाँ कैंडल जला रही है। एनिवर्सरी
मम्मी क्या बोली? कसके कसके ये अभी आगे दीदी की हम ब्लॉग डाल बना रहे थे। तो गाइस यहाँ हमारा एनिवर्सरी हो गया है और अगले साल किसी और का भी एनिवर्सरी आएगा। जानू को खिला दीजिए। भाई आज जिसकी जिसकी शादी हुई है उसका एनिवर्सरी रहेगा। आज से 7 साल पहले मेरे भैया की शादी हुई थी इसलिए आज एनिवर्सरी ना मम्मी। अगले साल उनका भी रहेगा एनिवर्सरी। दोस्तों का तो गाइस यहाँ एनिवर्सरी मन गया है हम लोग का और चलेगा डांस डीजे डीजे। बहुत ही मजा आ गया। इतनी गर्मी है फिर भी मजा ही मजा आ रहा है। बहुत टेस्टी केक खेलेगी मजा आ गया ना मम्मी। तो गाइस यहाँ चलो अब हम लोग का केक उसके बाद डांस। भाई पीछे बैकग्राउंड में गाने सुनने जा रहा है। कॉपी राइट आ जाएगा पता चलेगा। अभी केक खाने के बाद हम लोग का होगा। हेलो गाइस गुड मॉर्निंग। तो आज है भाई हमारा नेक्स्ट डे और हमारा पार्सल। देखिए इधर आके बोलो ना दोस्तों। हेलो गाइस गुड मॉर्निंग। यार तो पार्सल कल से ही ये बच्चे लोग सब लोग परेशान करके रखे हुए। पार्सल खोलना खोलना तो इसका आज अनबॉक्सिंग किया जाए। बहुत भारी है। आया कैसे ले आया वो सारा पैसे आप पटक पटक। देखिए सबका मुंह को लॉक कर दिया गया है ताकि ये लोग बदमाशी न करें। लाडो ओ मेरा बेटी हम और नहीं रहे। सबका किडनैपिंग हो गया भाई। बहुत ही Yeah.
लगता है। इतना सारा सामान ये है, वीडियो बनाने के लिए क्या इसको भी उठा दी। ये है लालो का ड्रेस, ये है जूता, किसका जूता? खाने वाला चीज दीजिए बेटा, वो सब दीजिए। मेरा खाने वाला चीज? हाँ बेटा, आपके लिए जूता भी तो है, बुआ के लिए कुछ नहीं है। अरे खाने वाला सामान था आप लोग का, पहनने वाला तो आपका है, वो मेरा। अच्छा खाने वाला सबका है। अच्छा उसमें चॉकलेट है। यहाँ देख सकते इतना सारा सामान आया है, इतना सारा। अभी ये पूरा अभी रह नहीं है, और ये पार्सल आया है, मेरे भैया भेजे है। इसमें है ये सबसे अच्छा। हाँ इधर नहीं भेज, सबसे अच्छा लग रहा है ये क्यूट क्यूट सा स्लिप है, सामान स्लिप है। वाह पर्स, ए पर्स हमको दे दो इसमें से। तुम लोग क्या करोगे पर्स? छोटू सा पर्स है, सब लोग पहन के चलेंगे एक्सचेंज कर कर के दिल लोग के साथ। लाडो भाग कर दी, देखो रुक जा रुक जा रुक जा। तो गाइस ये ब्लॉग कल से चलते आ रहा है, तो हम सोच रहे कि इस ब्लॉग का यहीं पे एंड कर देते हैं। बस ये पार्सल मतलब ये अनबॉक्सिंग के लिए ही। मेरे को कल मेरा मोबाइल भी अचानक से ऑफ हो गया था, यहाँ रखना है। वीडियो एंड करते हैं, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय बोलिए बेटा।